नमस्कार, मैं हितेश कौशल और आप देख रहे हैं वेकेशन। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। 3, 2, 1। चंद्रयान 2 को अब 22 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने ट्वीट कर बताया, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग तकनीकी खराबी के कारण टाल दी गई थी, अब सभी खामियों को ठीक कर दिया गया है। पृथ्वी से चंद्रमा की ओर चंद्रयान 2 श्री हरिकोटा से 22 जुलाई को रात लगभग 2 बजे रवाना होगा। प्रक्षेपण के बाद उपग्रह चंद्रयान 2 को कई हफ्ते लगेंगे और फिर वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सितंबर के पहले सप्ताह में उतरेगा। कहा जा रहा है कि यह चंद्रमा का वह हिस्सा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी अंतरिक्षयान नहीं उतरा है। चंद्रयान 2 अभियान में 13 पेलोड के साथ में एक नासा पेलोड भी शामिल है। इसे भारत में तैयार किया गया है। इसमें 3 मॉडल हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह को चित्रित करेगा और चंद्रमा पर खनिजों का मानचित्रण करेगा। लैंडर, जिसका वजन 1471 किलोग्राम है, वह चंद्रमा के कंपन और उसके तापमान को मापेगा। 27 किलोग्राम का रोवर चांद की मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए कैमरों और उपकरणों से लैस है। यह एक रोबोटिक मिशन है और इसमें कोई मानव चांद की सतह पर नहीं जाएगा। बता दें कि चंद्रयान 2 अपने पूर्ववर्ती चंद्रयान 1 का उन्नत संस्करण है। चंद्रयान 2 को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 का वजन 3.8 टन है, जो 8 वयस्क हाथियों के वजन के लगभग बराबर है। यह 1000 करोड़ का मिशन है। यह भविष्य के मिशंस के लिए सॉफ्ट लैंडिंग का उदाहरण बनेगा। लेजर रेजिंग के लिए नासा के उपकरण को निशुल्क ले जाया जाएगा। भुगतान करने के बाद भारत नासा के डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने कहा, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग मिशन का सबसे भयानक पहलू होगा, क्योंकि भारत ने कभी भी सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास नहीं किया। चंद्रयान 2 को कामयाब बनाने के लिए इसरो कड़ी मेहनत कर रहा है। इसरो में पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। साइंस से जुड़ी इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए न्याय भारत।